कच्चे हैं इसके ठीक यहाँ पे दोस्तों कुछ रीडिंग मटेरियल जहाँ पे आपको मिल जाता है सबसे जरूरी एक सेमेस्टर टूल, साथ में कुछ स्टार्ट गाइड, कुछ स्टिकर्स और कुछ और एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल। इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पे नीचे ये एक सेक्शन जो कि लेके आता है अपने साथ में बिल्कुल ब्रांड डिजाइन वाले ये ईयरफोन, जहाँ पे आप ग्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं और है सपोर्ट यहाँ पे गूगल असिस्टेंट का, लेकिन यहाँ दोस्तों वाले ऑडियो जैक का सपोर्ट नहीं है, ये है यूएसबी टाइप सी बेस्ड ईयरफोन। खैर उधर यहाँ पे फोन में नीचे की तरफ आप अगर देखेंगे तो आपको मिलता है यहाँ पे यूएसबी टाइप सी पोर्ट। इसी तरह दोस्तों ठीक बगल में आपको मिल जाती है यहाँ पे एक सिम ट्रे, जिसमें आप दोस्तों अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे खोल के तो लगा सकते हैं, खैर फिलहाल एक सिंगल नैनो सिम, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है इस सिम का, तो यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे अपने ड्यूअल सिम कार्ड्स को। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो एक मेन हाईलाइट है वो है ये, और ये दोस्तों इसका कैमरा जो कि है 12 मेगापिक्सल का, एपर्चर है f1.8 का, पिक्सल साइज है 1.4 माइक्रोन का, साथ में मिलता है डुअल एलईडी फ्लैश, फिंगरप्रिंट स्कैनर, यहाँ पे दोस्तों है नीचे 3430 एमएएच की बैटरी, स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, उसके अलावा है 4GB की रैम, 64 या फिर 128GB की स्टोरेज, और यहाँ दोस्तों इनफैक्ट जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है ये भी आता है डुअल कैम सेटअप के साथ में, जहाँ पे रेजोल्यूशन है 8+8 मेगापिक्सल का। आपको दोस्तों यहाँ पे साथ में बीच में यहाँ पे एक ईयरपीस जो कि काम करेगा सेकेंडरी स्पीकर की तरफ, और यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ जो आपको मिलती है चिन, इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पे अपना प्राइमरी स्पीकर, तो मिल जाएगा स्टीरियो स्पीकर्स का इफेक्ट, और यहाँ दोस्तों इनफैक्ट जो कैमराज है कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप यूज कर पाएंगे दूसरे कैमरा को एक वाइड एंगल कैमरा की तरह, तो ग्रुप सेल्फीज वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं करता हूँ जल्दी से सेट और बात करते हैं बाकी क्या है इस पिक्सल 3 एक्सएल में। दोस्तों आपको जो मिल रहा है डिस्प्ले ये है 6.3 इंच का क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले 18.5:9 के साथ में, जहाँ पे ऊपर दोस्तों नॉच थोड़ी सी देखने में बड़ी लगती है, लेकिन खैर यहाँ पे ड्यूअल कैमरा भी है, फ्रंट फेसिंग स्पीकर भी है, तो इसलिए शायद इतनी जरूरत होगी ही, वरना गूगल शायद इतनी बड़ी नॉच नहीं लगाता। और बाकी मैं इसको करता हूँ सेट, हम देखते हैं कि भैया कैसा मिलता है ये फोन हो कंप्लीट तरीके से। फिंगरप्रिंट स्कैनर डेफिनेटली दोस्तों बहुत बहुत फास्ट है, बस आपको कुछ ही टैप करने हैं और आप इंस्टेंटली अपने फिंगर को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे तो बस मैंने कुछ 5-6 टैप किए और दोस्तों हो गई ये फिंगर रजिस्टर। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपसे बात करता हूँ बाकी चीजों की, तो फोन मेरे ख्याल से सीधा बूट हो ही गया है, तो ये दोस्तों यहाँ पे आने वाला ये गूगल।